कुछ ना कुछ गलतियां तो कर ही देते हैं। इसीलिए हम लोग का जो हर श्रृंगार है, जिसे कि पारिजात, शावली, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन जैसे नामों से जाना जाता है, वो फूल भी नहीं देता है और तो और कई बार प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो ये जान लें कि कैसे हम लोग ध्यान रखें कि हर श्रृंगार का पौधा जो है हेल्दी भी ग्रो होए और समय से फूल भी दे। तो इसका जो फ्लावरिंग टाइम है, ये साल में दो बार होता है। पहला तो जैसे ही मौसम में हल्की सी ठंड आती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, और दोबारा जो है ये मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग करता है। कड़ाके की ठंडक और भीषण गर्मी में कोई फूल नहीं आते हैं, बस प्लांट ग्रो होता रहता है। तो पहली गलती तो ज़रूरी है ही जो बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों इसकी एक गलती है जो कि अभी हम बाद में थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। तो ये है कि हर श्रृंगार में पानी से रिलेटेड है। ये हर श्रृंगार का पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, पेड़ की तरह बन जाता है। अब हम लोग जो हैं अपने शौक़ के मारे इसको गमलों में लगाने लगे हैं, लेकिन फिर भी पानी देने में बहुत ध्यान रखना होगा। जब मिट्टी पूरी तरीके से सूखी दिखने लग जाए तभी पानी डालिएगा। ये प्लांट जो है एक दिन सूखी मिट्टी में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया तो प्लांट को ख़राब होते देर नहीं लगेगी। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो उसको आप मिट्टी के गमले में लगाओ, सबसे बढ़िया है। मेरा ये प्लांट ख़राब हो गया था क्योंकि बीच में लगातार बारिश हो रही थी, पानी सूख नहीं रहा था। तब मैंने जो था अपने इस प्लांटर में ब्लू टर्टल वाइन लगाई, ताकि जो है ये सभी जो पानी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, वो प्लांट ब्लू टर्टल वाइन भी इसको एब्जॉर्व करती रहे। तो सबसे पहले तो देखिए, इसकी जितनी भी सूखी पतली टहनियाँ हैं ये सब हटा लीजिए। ख़राब पत्तियाँ टहनियाँ इंसेक्ट्स को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ घर बनाने के लिए। कई बार इसकी टहनी को देखकर देखिए पता नहीं चलता कि ये सूखी है या फिर हरी है, तो आप उसको खुरच के देख लीजिए। अगर वो हरी ताज़ी होगी, मतलब जिंदा होगी, तो वो हरा हरा अंदर से दिखाई देगा। दोस्तों इस प्लांट को जो है आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ कम से कम 4 घंटे से लेकर के 5, 6, 7 जितने घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हो दो, लेकिन एटलीस्ट 5 घंटे की चाहिए। भीषण गर्मी में आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिएगा, नहीं तो उसकी पत्तियाँ सब ब्राउन होकर जलने लगती हैं। अभी जो विंटर पड़ेगा, जब कड़ाके की ठंडक पड़ेगी, तब भी इसकी पत्तियाँ ब्राउन पड़ जाती हैं, सूखी सी होने लगती है, लेकिन उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नेचुरल होता है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट नंबर में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जब तक प्लांट ग्रो हो रहा है तब तक आपको प्रूनिंग बराबर से करते रहना है, वो भी लाइट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये कि कई बार जो होता है एक पर्टिकुलर डाली में फूल खिल गए हैं, वहाँ पर ढेर सारे सीड पॉट बने हैं, तो चाहिए कि हम लोग को उस स्टेम को ही थोड़ा सा प्रून कर दें, लाइट प्रूनिंग कर दें, टिप हटा दें, सीड पॉट पूरा उसका हटा दें, वहाँ से प्रून कर दें, तो बाद में कुछ समय बाद जो है वहाँ पर नई ब्रांचेस ग्रो होंगी, फिर उसमें भी कलियाँ आ जाएंगी, तो आपका जो है प्लांट भी इस तरीके से बुशी बनता चलेगा। ये मेरा प्लांट तो बहुत वैसा हो गया है, नई ग्रोथ इसमें आ रही है ये सब, तो हम जो है ऊपर की टिप को सबको प्रून करते जा रहे हैं ताकि हर जगह से दो दो ब्रांचेस निकलें। अभी फ्लावरिंग में एटलीस्ट 1 महीना तो है ही, तब तक ये ग्रो हो जाएंगे सब अच्छे से। लेगी सा भी बहुत हो रहा है, कमज़ोर डालियां हैं, तो उसको सपोर्ट देने के लिए स्टिक वगैरह लगा दें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट गलती क्या होती है ये भी हम बताएं, सीड पॉट से रिलेटेड। जब हम लोग के फूल बनने लगते हैं तो उसमें जो है सीड पॉट भी फूल खिल मुरझा जाते हैं, तो सीड पॉट बनने लगते हैं, उनको हम लोग रख लेते हैं, जबकि उन सीड पॉट को हम लोग को लगातार हटाते रहना है। एक्चुअली में उन सीड पॉट को मैच्योर होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सपोज़ आपको सीड्स चाहिए भी, तो आप जो है आखिरी में जब ठंडक पड़ने लगती है ना, जो फूल होते हैं, आप 2-4 फूल छोड़ दीजिए, उसके जो सीड पॉड हैं उनको ग्रो होने दीजिए, तो वो जो है प्लांट में लगे लगे 2-3 महीने बाद जो है वो मैच्योर होंगे, धीरे धीरे ब्राउन होने लगेंगे, तब उनको आपको तोड़ना है और फिर आप जो है उसको अच्छी तरीके से सुखा करके फिर बो सकते हैं। अच्छा, हर श्रृंगार के प्लांट को किस तरीके से सीड्स उगाया है उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो हर श्रृंगार के पौधे में लगातार लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने पर या फिर ये पानी आनी देने पर मिट्टी थोड़ी टाइट हो जाती है, तो उसको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी। दूसरी दोस्तों गलती ये है कि हम लोग जो है इस प्लांट से
फूल तो चाहते हैं कि हमको साल में दो बार बढ़िया फ्लावरिंग मिल जाए, लेकिन इसको जो है फर्टिलाइज़र प्रॉपर ढंग से नहीं देते हैं। तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि हर सिंगार के पौधे को कि कम से कम साल में 3 बार आपको हैवी डोज का फर्टिलाइज़र देना है, खाद देनी है। क्या क्या देना है चलिए ये भी बताते हैं, कब देना है ये भी बताते हैं। तो सबसे पहली बार आपको फरवरी में डालना है, स्प्रिंग सीजन जब आता है उस समय कुछ नहीं, केवल आप गोबर खाद डाल सकते हो या अपनी किचन कंपोस्ट जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो डालिए, बस एक खाद डालनी। दोबारा खाद दोस्तों इसमें 15 मार्च के आसपास डाल सकते हैं, उम्मीद तो नहीं पड़ती, लेकिन हाँ ये कि इसमें फ्लावरिंग शुरू होने का समय आ जाता है दोबारा, तो आप मार्च में डालिए। उस समय जो है आप इसमें बर्मी कंपोस्ट, बोन मिल, नीम की खली वगैरह मिला के डाल सकते हैं। अगर आपके पास सीवीड है, जाइम है, तो वो भी थोड़ा बहुत मात्रा में मिला दीजिए। अच्छी मात्रा में आपको मिलाना, थोड़ा बहुत नहीं, वो अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप देख लीजिए, या हमारा आप देख लीजिए प्लांट जो है ये मेरे 12 इंच के पॉट में है, हम जितना डाल रहे हैं उतना भी आप डाल सकते हो। तीसरी बात दोस्तों आपको अगस्त सितंबर 15 सितंबर से पहले डाल देना है, क्योंकि सितंबर आखिरी तक तो देखिए इसमें फूल निकलना शुरू होंगे, तब तक प्लांट को एनर्जी आ जाएगी। तो ये तो आप इतना तो डाल ही दीजिए, ये हैवी डोज है फर्टिलाइज़र का 3 बार, ठीक है। इसके बाद जब आपके प्लांट में कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, देखिए कलियां जो हैं कई बार अक्टूबर में भी बनती हैं जब ठंडक पड़ने लगती है, तो वो तो देखिए टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है अलग अलग लोकल एरिया के वेदर के हिसाब से, तो उसका आगे पीछे थोड़ा मान लीजिएगा। तो जब आपके प्लांट में देखिए कलियां बनना शुरू हो जाए, तो आप जो है जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो, चाहे सरसों की खली का बनाए या गोबर खाद का, तो आप जो है उसको भी 10 से 15 दिन के अंतर में प्लांट के साइज़ के हिसाब से दे सकते हो। लेकिन जब बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ती है, भीषण गर्मी, उस बीच में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ नहीं दिया जाएगा, बस प्लांट को ऐसे ही चलने दीजिएगा। तो मिट्टी है ये भी टाइट हो जाएगी इसकी, तो आप जो है उसमें थोड़ा बहुत गुड़ाई जो है महीने में एक बार भी आप हल्की फुल्की गुड़ाई कर लोगे ना, काम चल जाएगा। तो बस अपनी इन गलतियों को ध्यान रखिएगा कि ये गलती रिपीट ना हो, और ये सब केयर करते रहिए, आपका जो है हर सिंगार का प्लांट खूब अच्छे फ्लावरिंग भी करेगा और एक हेल्दी प्लांट के रूप में कन्वर्ट भी हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी कारणवश अगर आपका हरसिंगार का पौधा सूख जाता है, तो उसको इमीडिएटली गमले से निकाल करके फेंकिएगा नहीं, बल्कि उसको लगा रहने दीजिएगा। कई बार ये है कि उपयुक्त सीज़न आने पर प्लांट की जड़ों के पास से नए पौधे निकल आते हैं, जैसे कि हमारे इसमें से निकल आए हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।